अखिलेश भैया अभी 7 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने मेरी इतनी बड़ी मदद की, और जो सत्ता में है उनको कुछ भी खबर नहीं है। जो बात लोग करते हैं, हम ये कर दे रहे हैं, हम वो कर दे रहे हैं, कुछ लग नहीं रहा है, बल्कि और सड़क की हालत खराब है, बहुत ज्यादा दिक्कत। शायद आप यादव हैं, गायत्री यादव हैं, शायद अखिलेश यादव इसलिए चेक दिए हैं। नहीं, नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। मैं मजबूर हूँ, मुझे जरूरत थी, इसलिए भैया जी ने मेरी मदद की। यादव से ये बात तो कहीं आई ही नहीं कि मैं यादव हूँ, उनको स्पेशल ये बताया ही नहीं गया था, उनको ढंग से मेरा नाम भी नहीं पता। मानिनी अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे हैं, सिंपल सादे इंसान, और बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनके तारीफ में मेरे पास शब्द कम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। जौनपुर में एक महिला इस भरी दोपहरी में हार तोड़ मेहनत कर रही है और ई रिक्शा चला रही है और लगातार अपने बेटी को पढ़ाने के लिए मेहनत करती हैं। इनके पति जब इनका साथ छोड़ देते हैं तो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए मेहनत करती हैं। जब 5-6 महीने पहले लगभग इनकी जो खबर थी चर्चाओं का विषय बनी हुई थी, जिसको देख करके अखिलेश यादव को इनको 1 लाख का चेक देते हैं जिससे अपने बेटी को पढ़ा सकें, और मिली भी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। इस समय जिले में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आप अखिलेश यादव से मिलकर आई हैं। जी धन्यवाद भैया। कैसे बुलावा आया था, कैसे? मीडिया के थ्रू विकास यादव भैया ने देखा था, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि आपकी मदद होगी समाजवादी पार्टी के थ्रू। फिर उसके बाद भैया जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को मेरा वीडियो दिखाया भैया ने, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कल बुलाया लखनऊ कार्यालय। लखनऊ कैसे गई और पहुंची तो कैसा लग रहा था, जिसको आप टीवी में देखती हैं कि दूर दूर से लोग मिलने के लिए तरसते हैं अखिलेश यादव जी से, तो आप मिलती हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि सपनों सा फील हो रहा था, जिसे मैंने आज तक सामने से देखा नहीं था, उन्हें देख रही हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे हैं, सिंपल सादे इंसान, और बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनके तारीफ में मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि कोई भी आज के इस ज़माने में कोई किसी की क्यों मदद करेगा, और उन्होंने एक छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा अमाउंट दिया भैया, मैं उनका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। क्या बातचीत हुई थी? बस मैं वहाँ पे गई, भैया जी आए, विकास भैया ने बताया कि इनका यही है जो रिक्शा चलाती हैं, बस उन्होंने तुरंत बोले रिक्शा दिला दो इनको, रिक्शा दिला दो। हाँ, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं ठीक है, आप जो चाहती हैं। मैंने कहा, फिर उसके बाद उन्हें पूछा कि रिक्शा चला रही हो, कितना कमा लेती हो, लखनऊ में क्यों नहीं चला रही हो, इस तरह की थोड़ी बहुत हंसी मजाक वाली भी बातें की। फिर उन्होंने बोला कि चेक। आपका क्या जवाब था कि जब बोलते हैं कि आप जौनपुर में नहीं चला रही हैं, लखनऊ में क्यों चला रही? ऐसा बोला, मैं हंस दी, मैं क्या बोलती हूँ उनके सामने, कुछ बोला नहीं मैंने। बाकी चेक मेरे को तुरंत दे दिया गया था, थोड़ी सी बात हुई थी और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शायद वो माननीय अखिलेश यादव जी उस टाइम थे नहीं लखनऊ में, कुछ दिनों बाद आए थे, तो कार्यालय में बहुत भीड़ थी। वो तो मेरे को फटाफट मिला दिया था विकास भैया के कारण। तो जब पहली बार मिलती हैं, 1 लाख का चेक मिलता है, तो पहली सूचना किसे देती हैं? पहली सूचना अपनी दीदी को। जिसके यहाँ जौनपुर में रहते हैं। हाँ, मेरी दीदी मेरे हर वक्त, हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रही है, तो सबसे पहले मैंने अपनी दीदी को ही बताया। अब कहीं ना कहीं एक अच्छे दौर की शुरुआत होने वाली, कहें कि अब आप बेटी को पढ़ाना चाहती हैं, डॉक्टर बनाना चाहती हैं, शायद इसीलिए ही रिक्शा चला रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दुख है कि पति साथ छोड़ दिए हैं, तो मतलब इन सब के बीच में कितना संघर्ष अभी रहेगा कि कितना अच्छा दौर आने वाला है? भैया संघर्ष तो बहुत हुआ है, और मुझे अपने लिए ऐसा लगता है, जैसे कि कहा जाता है ज़िंदगी संघर्ष है, तो मुझे, मेरे लिए तो लगता ही है कि मेरे को सारी ज़िंदगी संघर्ष ही करना है। बाकी यह है कि एक उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं भी इस उम्मीद पे हूँ कि कभी मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, फिर मुझे आराम मिलेगा। ये अक्सर कहा जा रहा है कि आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, तो बेटी क्या कहती है, कितना मेहनत कर रही है? भैया उससे जितना होता है वो पूरी मेहनत करती है, और वो बोलती है कि मम्मा ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन कर लो, उसके बाद मैं हूँ, आप बैठोगे, मैं कमा के खिलाऊंगी।
अच्छा आपकी बेटी बोलती है? अच्छा एक बेटी है? हाँ एक बेटी है। बेबी बोलती है मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। वो बोलती है कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अब ऐसा फील होता है कि जैसे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अभी कुछ दिन मम्मा करेंगी पर 2-4-6 साल बाद सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे ले लूँगी। बेटी भी साथ में जाती है अखिलेश यादव जी से मिलती, क्या रिएक्शन होता है क्या? बहुत खुश थी वो भी, बहुत खुश थी। उसने बोल के आई है उनका भैया जी का एक स्केच बना करके भैया जी को सेंड करेगी। तो जहाँ एक तरफ महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, वहीं यहाँ पे जौनपुर में जब पहली बार ई रिक्शा लेकर उतरती हैं तो क्या कुछ झेलना पड़ता है, बताएंगे उस दौर को क्या कुछ समस्याएं रहती हैं जब पहली बार जौनपुर की धरती पर आप आती हैं इंदौर से और यहाँ पे रिक्शा चलाना शुरू करती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं यहाँ पे जिससे आपको जूझना पड़ता है, लगता है कि ये समस्या जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपको रोना भी आ रहा उस दिन, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भैया सबसे पहले तो यहाँ की सड़कें जो वो हैं, और उसके बाद मेरे को रास्ता समझ में नहीं आता था। कई लोग अच्छे भी मिले हैं और कई लोग बहुत गलत कमेंट भी किया है मेरे लिए। उस टाइम पे मुझे रोना आता है कि मैं क्या काम करने लग गई, पर फिर कहीं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही और मुझे करते रहना है, पीछे नहीं हटना है, ये सोच करके मैं फिर महिलाओं में आप अकेली थी ऐसे में जो पुरुष ड्राइवर थे रिक्शा के, तो क्या कुछ रिएक्शन होता था लोगों को, लोग आपस में बातचीत क्या करते थे आपको लेकर के? बोलते हैं दिल्ली बम्बई हो गया ये तो, दिल्ली बम्बई हो गया, आप तो औरत भी चलाएंगे, अरे भैया हमारा जमाना गया, इस टाइप की बातें करते हैं। और कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, भैया 5 उंगली बराबर नहीं होती, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर के हैं और जिसमें से एकाध हैं जो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। और भंडारी स्टेशन पे क्या कहना तो नहीं चाहिए, पर वहाँ पे जो दुकान वाले हैं वो बहुत दिक्कत करते हैं। क्या किस तरह की दिक्कत? गाड़ी लगाऊंगी तो बोलेंगे तुम्हारे कारण अब गाड़ियाँ बीच में लगने लग गई है, तुम औरत हो इसलिए क्या कहते हैं हम बोल नहीं रहे हैं। मैंने यहाँ तक कि दरोगा जी से भी बोला था कि भैया मेरे को ये सब परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने बोला कि यदि सुधर जाओ नहीं तो एक कंप्लेन डाल देंगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दरोगा जी हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ भी नहीं बोला, सपोर्ट किया मेरा। मेरी यदि गाड़ी खड़ी है, सबकी गाड़ी हट जाती है पर मेरी खड़ी है तो दरोगा भैया कभी कुछ भी नहीं बोलते, पर वहाँ के दुकान वाले बहुत परेशान करते हैं, उनका बस नहीं चलता नहीं तो मेरे को भगा दें वहाँ से। अच्छा इस तरह का भी झेलना पड़ा था? हाँ, वहाँ पे एक गन्ने का रस वाला है और एक है समोसा और ये बाटी चोखा बनाते हैं, ये दो लोग बहुत ज़्यादा परेशान किए। ये खबरें तो कहें जो योगी गवर्नमेंट है उनके भी नेता देखे होंगे, जिसकी सत्ता में सरकार है, अखिलेश यादव भी देखते हैं, तो अखिलेश यादव की तरफ से आपको 1 लाख का चेक मिलता है, जबकि योगी सरकार की नेता मंत्री विधायक या उनके जो प्रतिनिधि है उनकी तरफ से कुछ नहीं दिया, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया सत्ता में सरकार है वो आपको कुछ नहीं, आपकी बेटी पढ़ाने के लिए कुछ नहीं देता है। भैया मैं इसके बारे में क्या कहूँ, जो ये न्यूज़ देखेंगे वो खुद ही सोचेंगे समझेंगे कि क्या कहना चाहिए। अखिलेश भैया अभी 7 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने मेरी इतनी बड़ी मदद की, और जो सत्ता में हैं उनको कुछ भी खबर नहीं है, सिर्फ कागजी हैं, जो बात लोग करते हैं हम ये कर दे रहे हैं हम वो कर दे रहे हैं कुछ लग नहीं रहा है, बल्कि और सड़क की हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जो सत्ता में सरकार है उससे कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ मांगना चाहती हैं, कुछ सुधरवाना चाहती हैं? सबसे पहले तो सड़क सुधरवाइए, ट्रैफिक नियम सुधरवा दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक नियम कोई भी फॉलो नहीं करता है, राइट के जगह लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, पुलिस वाले हैं खड़े रहते हैं कोई वो नहीं, मतलब कि लगभग तो पुलिस वाले ठीक ही हैं पर कुछ होता है बस और क्या। लेकिन अब लोग हल्की फुल्की बातों में भी कहने लगे हैं, शायद आप यादव हैं, गायत्री यादव हैं, शायद अखिलेश यादव इसलिए चेक दिए हैं। नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है, मैं मजबूर हूँ, मुझे ज़रूरत थी इसलिए भैया जी ने मेरी मदद की, यादव से ये बात तो कहीं आई ही नहीं कि मैं यादव हूँ, उनको स्पेशल ये बताया ही नहीं गया था, उनको ढंग से मेरा नाम भी नहीं पता था, तो वो ये बात गलत है कि वो यादव करके वो कर रहे हैं, वो एक अच्छे इंसान है, गरीब हूँ मजबूर हूँ परेशान हूँ मैं, तो उनने मेरी मदद की। लेकिन लोग हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, बात तो ऐसा है कि लोगों का काम क्या है बातें करना, अब मैं निकली हूँ तो मेरे पीछे भी कई लोगों ने कुछ कुछ बातें की, यहाँ तक कि आज से 2 महीने पहले मैंने सुना कि मेरे को DM ने गाड़ी दिलाई, मैंने कहा भैया कब दिलाई। हाँ। तो लोग हैं बातें बनाना लोगों का काम है।
अफवाह फैली, अफवाह फैलती है और कुछ नहीं। क्या क्या कहना चाहेंगी चलते चलते दर्शकों से, जो लोग देख रहे हैं महिलाओं के लिए खास कर क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं बस यही संदेश दूंगी कि कभी भी घर में ना बैठें, मतलब कि अपना घर भी संभालें पर खुद सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। कभी भी अपने आप को मजबूर लाचार ना समझें, हम यदि सोच लें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से गायत्री यादव को अखिलेश यादव जी सम्मानित करते हैं और इन्हें 1 लाख का चेक देते हैं और फिर से चर्चाओं का विषय बन जाती हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।